नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज मैं उपस्थित हुआ हूं कैराना लोकसभा सीट के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि से अवगत कराने के लिए। कैराना लोकसभा सीट का अस्तित्व 1962 में आया। यहां पर तभी पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। कैराना लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है तथा इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है। इसका जो लोकसभा सीट क्रमांक है वो 2 है। इसकी जो सीमाएं हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत लोकसभा सीटों के साथ लगती हैं तथा हरियाणा राज्य से लगती हैं। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, नाकुर, गांगो, कैराना, थाना भवन व शामली। नाकुर गांगो विधानसभा सीटें सहारनपुर जिले के अंतर्गत आती हैं, जबकि कैराना, थाना भवन व शामली विधानसभा सीटें शामली जिले के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार कैराना लोकसभा सीट जो लोकसभा क्षेत्र है वो सहारनपुर व शामली दोनों जिलों के अंतर्गत आती है। यहाँ के अगर जनसांख्यिकीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या 23,23,000, जिसमें ग्रामीण आबादी 76%, शहरी आबादी लगभग 24%, कुल मतदाता 16,00,000, अनुसूचित जात की संख्या लगभग 16%, मुस्लिम आबादी 35% तथा यहाँ पर साक्षरता लगभग 70% व लिंगानुपात 889 है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ के जो आम चुनाव संपन्न हुए। जो पहला आम चुनाव संपन्न हुआ 1962 में, यशपाल सिंह जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा सीट से विजयी हुए। 1967 में संपन्न हुए चौथे लोकसभा चुनाव, जो कि अयूर अली खान SSP से विजयी हुए। 1961 में शफकत जंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5वीं लोकसभा सीट में विजयी हुए चंदन सिंह। 1977 में गायत्री देवी, 1980 में जनता पार्टी से क्रमशः 6वीं व 7वीं लोकसभा सीट से विजयी हुई। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अख्तर हसन 8वीं लोकसभा सीट से विजयी हुए। उसके पश्चात अभी आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सीट पर विजयी नहीं हुई है। 1989 में 9वीं लोकसभा सीट में हरपाल सिंह व 10वीं लोकसभा सीट में पुनः हरपाल सिंह जनता पार्टी से विजयी हुए। 11वीं लोकसभा चुनाव में 1996 मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी से विजयी हुए। 1998 वीरेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विजयी हुए। 1999 में अमीर आलम खान, अनुराधा चौधरी 2004 में, 2009 में तबस्सुम हसन 15वीं लोकसभा सीट में BSP से विजयी हुई। 2014 में हुकुम सिंह BJP से विजयी हुए, किंतु इनकी मृत्यु होने के पश्चात 2018 में पुनः उपचुनाव हुए, जिसमें तबस्सुम हसन ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को पराजित किया। यदि यहां पर देखें कि सर्वाधिक बार कौन से प्रत्याशी जीते तो उसमें तबस्सुम हसन 2 बार व हरपाल सिंह 2 बार विजयी हुए हैं। यह एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर किसी भी एक पार्टी या किसी एक प्रत्याशी का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं रहा है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं 2014 के जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उनके परिणामों पर। उसमें हुकुम सिंह पहले नंबर पर 50% वोटों के साथ तथा नाहिद हसन जो समाजवादी पार्टी से थे 29% वोट प्राप्त किए। 2018 का उपचुनाव हुआ उसमें तबस्सुम हसन जो कि RJD से थी वो 50% वोट पाई तथा मृगांका सिंह जो कि BJP से हुकुम सिंह की बेटी थी वो 46% वोट पाई। यदि पार्टी वार देखें तो BJP 2 बार विजयी हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 बार, राष्ट्रीय लोकदल 3 बार, BJP व SP 1-1 बार विजयी हुई है। यह एक ऐसी सीट रही है जिसमें गैर कांग्रेसी सीट रही है जिसमें 1984 के बाद कांग्रेस नहीं जीती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें भाजपा की ओर से प्रदीप चौधरी को तथा महागठबंधन की ओर से तबस्सुम हसन को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके बीच एक रोचक मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि तबस्सुम हसन जिनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, इनके जो ससुर हैं अख्तर हसन वो सांसद रहे हैं, इनके जो पति हैं मुनव्वर हसन 2 बार सांसद, 1-2 बार विधानसभा सदस्य, 1 बार विधान परिषद सदस्य व 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।